नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीने कीड़ा पर। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज आर्टिकल 370 देखकर बाहर निकला हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती रहती हैं जो आपको मनोरंजित करती हैं, आपको इमोशनल करती हैं और आपको गुस्सा भी दिलाती है, लेकिन बहुत कम ऐसी मूवीज होती है जो आपको कुछ सिखा कर जाती है। देखिए आर्टिकल 370 जब रद्द किया गया था सन 2019 में, उस वक्त हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी थी जो हमें नहीं पता थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस वक्त मुझे भी नहीं मालूम था कि आर्टिकल 370 क्यों रद्द किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन के नजरिए से ये मूवी वाकई लाजवाब है। 370 में ऐसे फैक्चुअल बातों पर गौर फरमाया गया है जो मुझे लगता है वाकई कमाल की हैं, और मुझे लगता है कि हर एक देशभक्त और हर एक इंडियन को देखनी चाहिए। मूवी के अंदर पार्लियामेंट्स के बहुत अच्छे सीन हैं, ड्रामा है, वो सारे मोमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। बट जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट द क्रिएटर्स ऑफ आर्टिकल 370 हैज प्रोवाइडेड विद अस। उसके अलावा यामी गौतम की एक्टिंग ऐसी फिल्मों में काफी अच्छी रही है। हमने यूरी में देखा ही था, इसके बाद जो आई थी थर्सडे मूवी उस पर भी हमने देखा था। काफी मूवी इस तरह की लाजवाब रही है और हमेशा आपको मनोरंजित और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रही है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मूवी रिलीज हुई है क्रैक और इसके साथ साथ आर्टिकल 370। इन्फॉर्मेशन के नजरिए से सबसे बेस्ट है आर्टिकल 370 और एंटरटेनमेंट के नजरिए से वन टाइम वॉच है क्रैक। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में। नमस्कार।